पाम दिख रहा होगा, अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ जंक्शन लाइन, JUNCTION, जंक्शन लाइन, और अगर हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे संधि रेखा। इन दोनों फिंगर के बीच में ऐसी एक लाइन होगी, ठीक है, इन दोनों जी फिंगर, जरूरी नहीं है सबके होती है, किसी किसी की होती है, ये एक ऐसी लाइन होगी और ऐसी लाइन होगी, इसको बोलते हैं फर्स्ट जंक्शन, इसको सेकंड जंक्शन, इसको थर्ड जंक्शन। और अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट जंक्शन कहाँ पे हो गई, जुपिटर और सैटर्न के बीच में जो हुआ उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट जंक्शन। जी सैटर्न और सन के बीच में हुआ वो सेकंड जंक्शन लाइन, और सन और मरकरी के बीच में हुआ उसको बोलेंगे थर्ड जंक्शन जी लाइन, ठीक अब है। हम हमें क्या करना है, ये सारी जंक्शन लाइन के बारे में पढ़ना भी है कि ये जंक्शन लाइन बताती क्या है, हमने पढ़ तो लिया जंक्शन लाइन। अभी देखो, जो ये फर्स्ट जंक्शन लाइन होगी, जो जो फर्स्ट जंक्शन लाइन होगी, ये हो गया आपका सैटर्न और ये हो गया जुपिटर, यहां से ऐसे आएगी और ऐसे आएगी, ये फर्स्ट सेट ऑफ जंक्शन लाइन है, करेक्ट। द लाइन विच गोज इन टू द जुपिटर माउंट शो द फूडी नेचर, फूडी नेचर मतलब उसको खाने पीने का बहुत शौक होगा, स्पेशली जो होगा वो मीठा मीठा खाने का शौक ज्यादा होगा जो जुपिटर की तरफ जा रही होगी, अगर जाएगी तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो ऐसा नहीं वो मीठा खाने का शौकीन नहीं होगा, पर है तो जरूर होगा, ठीक है। और ये लाइन वो इंडाइजेशन बताती, क्या बताती, इंडाइजेशन, कि व्यक्ति को अपच्य रोग होगा। अगर आप किसी के हाथ में ऐसी लाइन देखोगे तो आप क्लियरली बोल सकते हो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, ये लाइन, ठीक। दिस लाइन डिनोट द फूडी नेचर ऑफ द पर्सन, सच लाइन में बी वेरी स्मॉल इन शेप एंड साइज, हियर फूडी मीन्स गुड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन हैविंग वेरियस टाइप ऑफ फूड स्पेशली स्वीट फूड, ठीक, ये क्लियर है, जी सर ठीक है। अभी इसका सेकंड पार्ट क्या आ जाता है कि अगर वो लाइन जो है सैटर्न माउंट में जा रही है तो, सैटर्न की तरफ जा रही है तो उसका क्या मतलब हुआ, देखो ये सैटर्न है, ये जुपिटर है, अगर ये लाइन इधर जा रही है तो द सेकेंड पार्ट विच गोज इन टू सैटर्न माउंट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल और मॉनिटरी रिलेटेड एक्टिविटी ऑफ ए पर्सन। ऐसे लोग किसी को पैसा दे देते तो पैसा वापस नहीं आता, ये लिखा है शास्त्रों के हिसाब से मैंने बताया, ठीक है। ये तो हो गया वर्जन जो लिखा हुआ, मेरा वर्जन क्या है, आपको इसको बाद में नोट कर लेना वरना जब यूट्यूब पे आएगा देख लेना। मेरा वर्जन ये है कि जिसके पास, जिसको ऐसा रहेगा, ठीक है, ये लाइन रहेगी, ये वाली मैंने क्या बताया, इंडाइजेशन बताया, यस ये लाइन भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम देगी और नी पेन देगी, नी पेन, घुटनों में दर्द और इंडाइजेशन, ये लाइन बताती है। किसी के हाथ में आप ये लाइन देखोगे और वो लाइन बिल्कुल क्लियर दिख रही है आपको, तो आप दो पॉइंट बोल सकते हो, पहला आपको इंडाइजेशन है और दूसरा आपको नी पेन है, ठीक। जी यहां तक क्लियर है ऑल ऑफ यू, यस जी सर ठीक है। अब हम इसके आगे भी चलते हैं कि भाई जो फर्स्ट जंक्शन लाइन ये हो गई, सो व्हाट इज द सेकंड जंक्शन लाइन, सेकंड जंक्शन लाइन क्या बताती है, देखो सेकंड जंक्शन लाइन क्या हुई, सन और सन और सैटर्न के बीच में आएगी, ये सेकंड जंक्शन लाइन हुई, ये वाली लाइन तो हमने जी पढ़ ली, ये वाली लाइन तो हमने पढ़ ली, इसको बोलते हैं विद्या लाइन, एजुकेशन जी लाइन, विद्या यस रेखा, एजुकेशन लाइन। जो सेकंड पार्ट में जाती है, जो सैटर्न में जाएगी, वो मॉनेटरी लॉस बताती है, जी ये क्या हो गई, मॉनेटरी लॉस, पैसे का नुकसान, जी ठीक है, ठीक सर है। उसके बाद हम थर्ड पढ़ते हैं कि थर्ड, थर्ड वाला कैसा हो सकता है, थर्ड कौन सी हो गई, मरकरी और सन के बीच में जाएगी, ये जी ठीक है। जो लाइन सन में जाती है, जो लाइन सन में जा रही है, वो आपको जॉब में प्रॉब्लम बताएगी, जॉब लॉस बताएगी, ठीक। और जो मरकरी में जाएगी वो आपको स्किन डिसीज, लंग्स डिसीज के बारे में बताएगी, यानी कि चर्म रोग या फेफड़ों का रोग बताएगी। और ये लाइन ये भी बताती है कि आदमी के बुद्धि का विकास उसके एज के बराबर नहीं हुआ, यानी अगर वो 30 साल का व्यक्ति हो चुका है एज में, तो हो सकता है उसका बुद्धि 22 साल वाली ही हो,
ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट है, एज ग्रोथ डज नॉट सिंक, यानी उसके बुद्धि का विकास और शरीर की आयु का विकास एक जैसा नहीं होगा। ऐसे लोगों में चर्म रोग, स्किन डिसीज हो सकता है, लंग डिसीज हो सकता है, और हियरिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, ऊंचा सुनते हो थोड़ा सा। ऐसा नहीं है सब होगा, इसमें कुछ ना कुछ होगा। जब भी मैं आठ सात आठ चीजें बताऊं तो ये मत बोलना कि सात की आठ होंगी, उसमें से एक हो सकती है, दो हो सकती है, और सात आठ चीजें कुछ भी हो सकती है। तो ये सारे में से कोई एक चीज हो सकती है या दो चीज हो सकती है, ठीक है? जी ये यहां तक क्लियर हो गया? फर्स्ट जंक्शन लाइन, सेकंड जंक्शन लाइन, और थर्ड जंक्शन लाइन। जी सर जी सर